हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे पास एक फैन है दोस्तों, होममेड फैन घर पे बनाया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे बनाया हमने इसको फैन को। बहुत ही अच्छा फैन है दोस्तों, एक बार मैं चला का दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इस कॉर्नर खुल जाए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छा फैन है, बहुत ही अच्छी हवा आता है दोस्तों इसके अंदर से। यहाँ पर आप देख सकते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से हवा आता है इसके अंदर से दोस्तों। और दोस्तों फैन तो दोस्तों सभी के घर में रहता है, घर में होता है, लेकिन अपने हाथों से बनाया चीज का मजा ही कुछ और होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे बनाया मैंने इस फैन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी का एक बेस ले लिया हमने, जिसके ऊपर हमारे जो सारे कंपोनेंट है इसके ऊपर ही बैठेगा। तो और दोस्तों उसके बाद देख सकते हो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो दो होल क्या है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो ये कुछ इस टाइप से दोस्तों बैठ जाएगा, स्क्रू की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर को पावर देने के लिए एक एसी 2 पिन सॉकेट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक 2 पिन सॉकेट है, उसके बाद यहाँ पर एक पीवीसी शीट में हम लोगों ने ग्रुप कटिंग किया है। तो इसको जो है दोस्तों कुछ स्टेप से हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। कुछ स्टेप से जो है दोस्तों ये इस ग्रुप कटिंग के अंदर चला जाएगा। तो देख सकते, उसके बाद दोस्तों सुपर ग्लू के मदद से इसको हम चिपका देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टेप से यहाँ पर हम थोड़ा ग्लू लगाएंगे, और यहाँ पर जो दोस्तों थोड़ा ग्लू लगाएंगे तो ये जो दोस्तों चिपक जाएगा। तो सुपर ग्लू जो दोस्तों बहुत ही पावरफुल होता है। तो देख सकते हो ये जो दोस्तों चिपक चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग 4 डायल लेंगे, 1 and 4 007। तो इस डायोड का हम लोग दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए हमारा यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखकर आप बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो कैपेसिटर का पिन है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला लाइन बना हुआ है ये नेगेटिव है। तो ये वाला जो पिन है दोस्तों यहाँ पर ये नेगेटिव है, और यहाँ पर दोस्तों ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। और यहाँ पर जो दो पिन है वहाँ पर दोस्तों ये दो वायर लगेगा। और कैपेसिटर में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, 25 वोल्ट 1000 amp का कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों ये जो दो वायर थे इसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रेक्टिफायर के नेगेटिव के साथ हम लोग एक वायर सोल्डरिंग करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हो हमारे पास एक पॉजिटिव वायर हमने लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक रेगुलेटर लगाया पॉजिटिव वायर के साथ हमने। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पॉजिटिव वायर को हम लोग एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया। तो ये जो वायर है ये हमारे मोटर के साथ लगेगा, और ये वाला जो वायर है ये हमारे ये जो कैपेसिटर के पॉजिटिव है यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। ये जो दोस्तों अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों इस कैपेसिटर के नीचे हम थोड़ा ग्लू गन से ग्लू लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ यहाँ पर दोस्तों इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर ग्लू लगा के इसको दोस्तों कुछ यहाँ पर हम लोग चिपका देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये जो बैठ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम थोड़ा ग्लू और लगा देंगे दोस्तों, ताकि ये जो है दोस्तों अच्छी तरीके से बैठ जाए यहाँ पर। इतना काफ़ी रहेगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इसका आगे के पार्ट जो यहाँ पर लगेगा दोस्तों कुछ इस टाइप से ग्लू के मदद से हम लोग इसको चिपकाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक होल क्या है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो LED हम लोगों ने यहाँ पर चिपकाया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 1K के रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाया, कि दोस्तों ये LED को अगर हम डायरेक्ट इसके साथ चलाएंगे तो जो LED दोस्तों खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर दोस्तों एक 1K के रेजिस्टेंस लगाया है। तो चलिए इसको पहले दोस्तों यहाँ पर चिपका लेते, उसके बाद दोस्तों कनेक्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये LED की ये जो पॉजिटिव लेग है इसको हम इस पॉजिटिव के साथ दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो रेगुलेटर है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों कुछ इस टाइप से लगा देंगे।
तो इस तरफ हम थोड़ा ग्लू लगा देंगे दोस्तों, तो ये जो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हमने थोड़ा सा ग्लू लगाया और ये तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ हमने पीवीसी शीट यहाँ पर चिपका दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो ये हमने क्यों लगाया आपको थोड़ी देर में पता चलेगा दोस्तों। बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये एक पीवीसी शीट हमने लिया है, इसमें से हमने कुछ छेद दोस्तों यहाँ पर होल कुछ किया है यहाँ पर, तो ये जो सीट है दोस्तों इसके ऊपर बैठ जाएगा दोस्तों कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे होल हमने किया है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो होल और यहाँ पर दो होल किया है। तो इसको दोस्तों हम स्क्रू के मदद से टाइट करेंगे ताकि अगर कोई अंदर में कोई आगे चलता है कोई प्रॉब्लम आए तो हम इसको खोल सके आसानी से, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको ग्लू से टाइट कर देंगे तो दोस्तों ग्लू जो है नहीं निकलेगा दोस्तों बाद में, तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर स्क्रू से टाइट करेंगे। और ये जो होल किया है दोस्तों इसका रीजन ये है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों ये बहुत ही गर्म हो जाता है चलते वक्त, तो इधर से दोस्तों जो है हवा पास हो सकेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर होल किया है। तो चलिए इसको जो है हम दोस्तों यहाँ पर बिठा देंगे कुछ इस टाइप से। हम लेंगे एक मोटर दोस्तों, ये हमारा मेन चीज़ दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा एक 555 मोटर है दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल मोटर होता है आप लोगों को पता है दोस्तों। तो इस मोटर के लिए दोस्तों हम लोगों ने एक पीवीसी पाइप लिया है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने दो काट किया है, यहाँ पर दो और यहाँ पर दो देख सकते हो। तो ये जो काट है दोस्तों यहाँ पर जो होल है दोस्तों इसी के लिए है ताकि हवा जो है दोस्तों मोटर के अंदर जा सके, ताकि मोटर जो है दोस्तों खराब ना हो।